इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपने साउंड को क्लियर कर सकते हैं, अपनी वीडियो को और इफेक्टिव बना सकते हैं। साउंड, देखो साउंड की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करते हैं लोग जब वो वीडियो यूट्यूब पे जो वीडियो बनाते हैं उस चीज़ में, और ये प्रॉब्लम मैंने भी स्टार्टिंग में फेस की थी। जब मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट की थी तो साउंड जो था, जब मैं DSLR, मेरे पास जो कैमरा वो DSLR है और इसमें माइक नहीं लग रहा। अब मुझे नहीं पता इसमें माइक क्यों नहीं लग रहा, मैंने काफ़ी सारी इसके अंदर काफ़ी सारे माइक कनेक्ट करके देखे, लग नहीं रहा। शायद इसका जैक ख़राब हो चुका है, इस वजह से नहीं लग रहा इसके अंदर। फिर मैंने क्या कि भाई मैंने अपना साउंड अलग से रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया, और वीडियो DSLR जो कैमरा जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसके अंदर मैंने अपनी वीडियो अलग रिकॉर्ड स्टार्ट कर दी। और फिर क्या करता हूँ, इन दोनों वीडियो को और इस साउंड को, साउंड जो मैं रिकॉर्ड करता हूँ अपने इस फ़ोन के अंदर, और फिर इससे यहाँ से इसकी क्लिप लेता हूँ, ये साउंड की क्लिप लेता हूँ और इस वीडियो के साथ मैं मिला लेता हूँ। देखिए थोड़ा सा तो एफर्ट करना पड़ेगा अगर आपको अपना साउंड क्लियर करना है। तो इसको मैं कैसे करता हूँ ये मैं बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कैमरा चलाया, कैमरा चलाने के बाद अपना ये माइक मैंने कनेक्ट किया अपने फ़ोन में, और फिर मैं एक जैसे होता है ना एक ऐसी आवाज़ जिसकी टोन थोड़ी सी हाई हो जाए, जैसे कि मैं स्टार्टिंग में क्लैप करता हूँ, क्लैप करने के बाद जो कैमरे के अंदर एक साउंड रिकॉर्ड होता है उसके अंदर एक वॉइस मॉड्यूलेशन होता है वो हाई हो जाता है, और जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस फ़ोन के अंदर, इस फ़ोन में भी वॉइस मॉड्यूलेशन हाई हो जाता है, और उन मॉड्यूलेशन को मैं एक जगह मिला देता हूँ एडिटिंग टूल के द्वारा, और वो एडिटिंग टूल है फिल्मोरा। उस फिल्मोरा का मैं यूज़ करता हूँ वीडियो एडिटिंग के लिए, बहुत अच्छा टूल है, जो बिगनर है, जो यूट्यूब पे बिगनर है जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है तो वो मैं यहाँ यूज़ करता हूँ। अब कैसे, देखो अगर मैं आप लोगों को अपनी रियल साउंड सुनाना चाहूँ तो मैं ये माइक बंद कर रहा हूँ, तो मेरी ये जो रियल साउंड है वो आपको आ भी नहीं रही होगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ। बहुत ज़्यादा ये शोर आ रहा होगा, ऊपर पंखा चल रहा है उसका शोर आ रहा होगा, या बाहर से झूम 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 की। तो आपने देखा, आपने मतलब देखा नहीं, आपने सुना होगा कि कैसे कितना ज़्यादा शोर है, पंखे का शोर है, बाहर की आवाज़ का भी शोर आ जाता है। तो इन सब से निपटने के लिए भाई मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये अपना सिस्टम यूज़ कर लूँ। थोड़ा सा तो एफर्ट लगाना पड़ता है अगर आपको वीडियो इफेक्टिव बनानी है, साउंड को अच्छा रखना है, अगर आपको अपना चैनल जल्दी से ग्रो करना है तो इन चीज़ों का तो ध्यान रखना ही होगा। एक छोटी सी टिप थी कि आप कैसे अपना साउंड क्लियर कर सकते हैं, वीडियो को और इफेक्टिव बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप एक DSLR ही खरीदें, तो DSLR से ही आप एक फ़ोन लीजिए, फ़ोन के अंदर ये माइक भी कनेक्ट कर दीजिए। DSLR मैंने तो स्टार्टिंग से ले रखा है इसलिए मैं यूज़ ही कर रहा हूँ इसका, वरना एक सिंपल फ़ोन भी सही है। अब इसको मैं फ़ोन को भी वहाँ लगा सकता हूँ, फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ, लेकिन फ़ोन में उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं मिलती जितनी मुझे DSLR दे देता है। DSLR का मतलब कि वीडियो क्वालिटी एक अच्छी चीज़ है, मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हमें ISO हो गया ये बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है, जिसको मैं मैनुअली कंट्रोल करता हूँ जितना मैं फ़ोन के अंदर नहीं कर पाता हूँ, तो इसलिए मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ वीडियो अपने DSLR के अंदर, साउंड रिकॉर्ड करता हूँ अपने फ़ोन के अंदर। अगर आप लोगों को जानना है कि मैं इनको कैसे, मैं सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ फिल्मोरा का, आपको अगर वो जानना है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।